क्या रूस इसलिए यूक्रेन को जंग में नहीं हरा पा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद यूक्रेन पहुंच गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को मोहरा बनाकर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंगाल पाकिस्तान ने रूस के साथ बहुत बड़ा जंगी धोखा किया है जो अब दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन चुका है। पता चला है कि क्यों दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकता है। तीसरे विश्व युद्ध के दो गद्दार। अब खुलासा हुआ है कि कैसे यूक्रेन युद्ध की आड़ में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की साजिश रच रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की यूक्रेनी साजिश। अमेरिकी मीडिया ने हैरान करने वाला ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस पाकिस्तान को रूस का दोस्त और अमेरिका का दुश्मन समझा जा रहा था, उस पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से ऐसा जंगी खेल खेला है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में झोंक सकता है। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने रूस को जंग में हराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची है जो रूस की सेना के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने जंग की आड़ में अमेरिका के साथ मिलकर अपने दोस्त रूस को जबरदस्त बारूदी धोखा दिया है। 75 अरब में रूस से बारूदी धोखा। आप पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शहबाज शरीफ के साथ मिलकर क्या जंगी प्लान तैयार किया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से $900 मिलियन के हथियार खुफिया तरीके से खरीदे थे जिसकी खबर दुनिया के टॉप जासूसी एजेंसियों तक को नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर रोटी और बोटी के लिए तरस रहे भिखारी पाकिस्तान से अमेरिका ने $900 मिलियन यानी करीब 75 अरब रुपए के हथियार क्यों खरीदे, जबकि दावा यही किया जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब है। तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों के बदले $900 मिलियन यानी करीब 75 अरब रुपए क्यों दिए और पाकिस्तान के इन हथियारों का अमेरिका ने क्या किया? जरा देखिए अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या बारूदी साजिश रची थी जिसका खुलासा आज कई महीनों के बाद हो रहा है। पाकिस्तान को कई महीनों की मीटिंग्स के बाद जुलाई 2023 में आईएमएफ से $3 बिलियन का बेलआउट पैकेज मिला था। अब अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि इस लोन को दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ से लोन हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ हथियारों की सीक्रेट डील करनी पड़ी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान से हथियार लेकर उन्हें रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को दिया। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस को धोखा देते हुए अमेरिका को करीब 75 अरब यानी $900 मिलियन में तोप के गोले और आर्टिलरी दी थी जिसका इस्तेमाल जंग में यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। यानी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ शुरू करवा दिया है जिसकी भनक रूस को लग चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध के दो गद्दार। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ही अमेरिका की बारूदी साजिश का शिकार हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ही रूस के खिलाफ हथियारों के लिए क्यों चुना? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस शुरू से ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत नेटो के 31 देशों पर भारी साबित हो रहा है। रूस एक दिन में यूक्रेन पर पिछले 19 महीनों से हर दिन 10 से 12 हजार तोप के गोले दाग रहा है जबकि यूक्रेन हर दिन 6 से 8 हजार गोले ही रूसी सेना पर दाग पा रहा है।
रूस की आर्टिलरी और तोपखाने की भयानक मार की वजह से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ गए। अमेरिका ने यहीं पर फिर ऐसा जंगी खेल खेला जिसकी उम्मीद राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं थी। अमेरिका के कमांडरों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलकर यह तय कर लिया है कि रूस के जिगरी और वफादार दोस्त पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाए। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान और उसके बाद बने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के बीच बारूदी साजिश रच डाली। पाकिस्तानी आर्टिलरी और शेल्स बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका की मदद से यूक्रेन पहुंचे। पाकिस्तान जंग में इस्तेमाल होने वाली आर्टिलरी और शेल्स के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। यूक्रेन में लगभग 19 महीने से जारी जंग की वजह से इन हथियारों की भारी किल्लत दर्ज की गई है। ओपन सोर्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान में बने हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की है कि इंटरसेप्ट को 2022-23 में पाकिस्तान की तरफ से बेचे गए हथियारों के दस्तावेज मिले हैं। इन पर अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल के दस्तखत भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बीच ये डील ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स ने कराई थी। डील के तहत रूस को हराने के लिए पाकिस्तान ने $900 मिलियन का गोला बारूद अमेरिका को बेचा और अमेरिका ने इस गोला बारूद को यूक्रेन पहुंचा दिया। पाकिस्तान और यूक्रेन भले ही हथियार डील नहीं होने का दावा करें, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर रॉकेट और टैंक यूक्रेन को तीसरे देश पोलैंड और जर्मनी के जरिए भेजे हैं। यही वजह थी कि 20 जुलाई को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमयेत्रो कुलेबा अचानक से पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को हथियार देने को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया था। इस ताजा खुलासे के बाद पाकिस्तान की चीन, रूस और अमेरिका दोनों से ही डॉलर कमाने की चाल का खुलासा हो गया है। इससे पहले आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तान को रूस ने कई टन गेहूं दिया था। यही नहीं, रूस ने पाकिस्तान को भारत की तरह से सस्ता तेल दिया था, लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस से गद्दारी कर दी। अमेरिका पाकिस्तान की यूक्रेनी साजिश। अमेरिका ने भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तान की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। रूस यूक्रेन जंग के 19 महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान पर इतना दबाव बना दिया है कि वो अपने दोस्त रूस के खिलाफ गद्दारी करने को तैयार हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए ना सिर्फ इमरान खान को सत्ता से बेदखल करवा दिया, यहाँ तक कि इमरान के बाद पाकिस्तान के पीएम बने शाहबाज शरीफ को भी अपनी कठपुतली बना लिया। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी अपने इशारों पर नचाया है। जरा देखिए कैसे अमेरिका ने रूस को जंग में हराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बेल आउट पैकेज को हथियार बनाया। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार से साफ कहा कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार अमेरिका को बेचने होंगे। मरता पिटता पाकिस्तान रूस के खिलाफ बारूदी साजिश में शामिल हो गया और उसने अमेरिका को 75 अरब रुपए का गोला बारूद और हथियार बेच दिया। इसके बाद कंगाल पाकिस्तान के लिए चमत्कार होने लगे। पाकिस्तान को कई महीनों की मीटिंग्स के बाद जुलाई 2023 में IMF से $3 बिलियन का बेलआउट पैकेज भी मिल गया। इस लोन को दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान से IMF को $3 बिलियन का बेलआउट पैकेज दिलवाने में अमेरिका ने जमकर मदद की। द इंटरसेप्ट की जांच के अनुसार 23 मई 2023 को पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान ने Washington DC में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी। इनका मकसद पाकिस्तान को यूक्रेन को हथियार देने के लिए राजी करना था ताकि IMF की नजरों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर दिख सके। इसी बैठक में हथियारों की डील कराने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम और तत्कालीन वित्त मंत्री इशाक डार के बीच बैठक की व्यवस्था कराई गई। डोनाल्ड लू ने 23 मई की बैठक में खान को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों के लिए भुगतान को मंजूरी दे दी है। वो IMF को भी उनके बीच हुई सीक्रेट डील के बारे में बता देंगे। लू ने बताया कि पाकिस्तानियों का मानना है कि हथियारों से $900 मिलियन मिलेंगे और वो पैसे पाकिस्तान को मिलते चले गए। तीसरे विश्व युद्ध के दो गद्दार। अब सवाल उठता है, जो पाकिस्तान खुद को पुतिन का दोस्त बता रहा था वो गद्दार कैसे हो गया?
द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की भूमिका बनाई। इमरान के हटने के बाद पाकिस्तान रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का समर्थक बन गया। जब से इमरान खान सत्ता से गए हैं तब से ही पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का सहयोगी बनकर उभरा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस से सस्ता तेल और अनाज लेने वाले भिखारी पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लेने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई की। अब जब एक मीडिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है तो पाकिस्तान बौखला गया है। उसे रूस के बदले का डर लग रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार देने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान ने ना तो रूस और ना ही यूक्रेन को कोई हथियार दिया है। इस बीच पाकिस्तान को फंसा दे अब यूक्रेन भी बचाव में आ गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पाकिस्तान से उसे कोई हथियार नहीं मिला है। अब देखना होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान से रूस कैसे बदला लेता है।